देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई, जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि यू नो ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सो ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे, स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए हम उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़ कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है, कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे हमारी परिवार के लिए आज यू नो इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आर ड्यूटी टू डू आर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे मोगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूँ। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के यू नो एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूँ, ताकि ताज ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है, उन परिवारों तक पहुँचने की, हमें पहुँचना है और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों ने, बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके कुछ स्कूल के डेज जो वापस आपकी यादा जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी, शेयर सुनते हैं। मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर एक मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी, आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए इन्होंने जान देने के लिए खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। देखिए सिद्धू साहब, वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में, और ऐसा लग रहा है कि यू नो हम लोग बार बार अपने यू नो शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिज़ी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफरत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉट के, बट आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस।